हेलो गाइस, आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ आलू परवल की मसालेदार सब्जी। सबसे पहले जो है परवल को धो के इस तरह से कटिंग कर लेना है और आलू को भी धो के कटिंग करके फिर से धो लेना है। इस तरीके से कटिंग करना है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे तिरछा कटिंग। उसके बाद जो है एक कढ़ाई ले लेना है और कढ़ाई में तेल ले लेना है। उसके बाद जो है तेल को गरम कर लेना है। तेल को गरम करने के बाद इसमें आलू को डाल देना है। उसके बाद जो है आलू को भूनना है ब्राउन कलर होते तक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आलू का कलर जो है वो चेंज होने लगा है। थोड़ा सा और पका लेंगे। अब आप देख सकते हैं आलू जो है वो हो चुका है, तो इसको जो है निकाल लेंगे। सबको एक साथ निकालेंगे। अब आलू जो है हमारा हो चुका है, अब परवल को इसमें डाल देंगे आलू निकालने के बाद। जब तक हमारा परवल होता है तब तक हम लोग ये आवश्यक सामग्री निकाल लेते हैं, इसका पेस्ट बना लेते हैं। टमाटर लहसुन मिर्च का पेस्ट और प्याज का पेस्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पे परवल का कलर जो है वो चेंज होने लगा है। हल्का ब्राउन होते तक भूनना है परवल को। इस तरह से चेक कर लेना है हुआ है कि नहीं उसको। अब यहाँ पे देख सकते हैं परवल जो है वो हो चुका है, इसको निकाल लेके अब हमारा आलू भी हो चुका है और परवल भी हो चुका है। इसको एक पतीला में निकाल लेंगे। जिस पतीला में आलू निकाले हैं उसी पतीला में हम परवल को भी निकाल लेंगे। यहाँ पे प्लेट में निकाल ली हूँ मैं आलू और परवल को। उसके बाद जो है कढ़ाई में तेल गरम कर लेंगे। तेल जब गरम हो जाएगा तब उसमें जीरा डाल देंगे। और जब जीरा फूट जाएगा तब उसमें ऐड कर देना है प्याज का पेस्ट। तो यहाँ पे हमारा जीरा जो है वो फूट रहा है, अब फूट चुका है, तो इसमें ऐड कर देंगे प्याज का पेस्ट। प्याज का पेस्ट जो है उसको ब्राउन कलर होते तक भून लेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्याज का कलर जो है वो चेंज होने लगा है। अब यहाँ पे प्याज जो है वो भून चुका है, प्याज का कलर जो है वो चेंज हो चुका है, तो इसमें ऐड कर देंगे लाल कश्मीरी मिर्च और साथ ही साथ ऐड कर देंगे हल्दी। उसके बाद जो है ऐड करने के बाद करछी चला लेंगे। और कुछ टाइम इसको भून लेंगे।
अब इसमें ऐड करेंगे लहसुन मिर्च का पेस्ट। लहसुन मिर्च का पेस्ट ऐड करने के बाद करछी चला लेंगे। और कुछ टाइम इसको भून लेंगे। आप देख सकते हैं लाल मिर्च का कलर कितना अच्छा आया है यहाँ पे। अब इसमें ऐड कर देंगे टमाटर का पेस्ट। उसके बाद जो है करछी चला लेंगे। उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे नमक स्वाद अनुसार। कुछ टाइम इसको पकने देंगे। इसके लिए इसे कवर कर देंगे। 2 से 3 मिनट बाद अनकवर करके इसमें करछी चला लेंगे। इस तरह से इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे गरम मसाला और धनिया पाउडर। उसके बाद जो है करछी चला लेंगे और फिर इसको थोड़ा सा और भून लेंगे। उसके लिए कवर कर लेंगे। कुछ टाइम बाद इसे अनकवर कर लेंगे और फिर इसमें करछी चला लेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा मसाला जो है वो भून चुका है। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे आलू परवल को। और आलू परवल ऐड करने के बाद इसे मिक्स कर लेंगे। और अगर आपको सूखी सब्जी चाहिए तो आप इसे ऐसे ही खा सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे सब्जी जो है वो रेडी हो चुका है। टेस्टी टेस्टी दिखने में भी टेस्टी लग रहा है और खुशबू भी इसका अच्छा आ रहा है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इस तरीके से एक बार सब्जी बनाने का ट्राई जरूर कीजिएगा। कम मसाला यूज किया गया है इसमें। और अगर आपको ग्रेवी चाहिए तो इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। तो मुझे थोड़ा सा ग्रेवी बनाना है इसीलिए मैंने इसमें पानी यूज कर लिया है। दो छोटा ग्लास पानी मैंने इसमें यूज किया हुआ है। अब आप देख सकते हैं सब्जी जो है वो ग्रेवी बन रही है। इसको कवर करके थोड़ा टाइम पकाना है। अब हमारी सब्जी जो है वो पक चुकी है। इसमें धनिया ऐड कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे सब्जी जो है वो तैयार हो चुकी है। थोड़ा सा ग्रेवी रखेंगे क्योंकि आलू जो है वो पानी अब्जॉर्ब करता है कुछ टाइम बाद, तो ये ग्रेवी हो जाएगा चिपचिपा टाइप। हमारा सब्जी जो है वो रेडी हो चुका है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आलू जो है वो रस्सा को ऑब्जर्व कर चुका है। तो यहाँ पे ज्यादा रस्सा नहीं है, चिपचिपा टाइप सब्जी है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। थैंक यू।